सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉ टैब अगर ग्रे हो जाए तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, ग्रे से मेरा मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ड्रॉ टैब पे क्लिक किया हुआ है और नीचे जो भी पेन वगैरह है सब ग्रे दिखाई पड़ रहा है, कोई भी इनेबल नहीं है। ग्रे से मतलब कि एक्टिवेट नहीं है, आप कोई भी पेन क्लिक करके मतलब एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ड्रॉ टैब ग्रे कब होता है? जब व्यू टैब में हम प्रिंट लेआउट सेलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ऊपर आपको बहुत सारे टैब दिख रहे होंगे। जब आप राइट साइड में चलेंगे तो यहां पर आपको टैब मिलता है एक व्यू टैब। ये रहा व्यू टैब। व्यू टैब में प्रिंट लेआउट जब सेलेक्ट नहीं होता है तब जनरली ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो व्यू टैब पे क्लिक कर दीजिए। अब प्रिंट लेआउट देखिए सेलेक्ट यहां पर नहीं है, यहां पर वेब लेआउट सेलेक्ट है। तीन ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहे हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट। अभी करंटली आप देख सकते हैं कि वेब लेआउट सेलेक्टेड है। जैसे ही हम प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए प्रिंट लेआउट हमने क्लिक कर दिया, अब प्रिंट लेआउट सेलेक्ट हो गया। अब चलते हैं वापस से ड्रॉ टैब पे। ठीक है, ये देखिए ड्रॉ टैब है, वापस से चलते हैं ड्रॉ टैब पे। जब ड्रॉ टैब पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारी पेन्स वगैरह जो है एक्टिवेट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ टैब अगर ग्रे हो जाए तो उसको आप ठीक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।